दंतेवाड़ा की सबसे पहले बात, जहां पर जवानों ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के आयोजन को बस्तर फाइटर और डीआरजी जवानों ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मनाते हैं, लेकिन जवानों ने नक्सलियों के शहीदी सप्ताह मनाने की योजना पर ही पानी फेर दिया और उनके स्मारक को भी तोड़ दिया गया। दिनेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं। दिनेश जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, टीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने एक नक्सल स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का ये आयोजन को दंतेवाड़ा डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवानों ने नाकाम कर दिया गया है। हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली मनाते हैं। मारे गए नक्सली साथियों की याद में यह शहीद स्मृति दिवस, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये शहीद दिवस आते ही जो नक्सली है ये भी एक्टिव हो जाते हैं और अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराते हैं। इसी कड़ी में बस्तर फाइटर्स के जवानों ने जो नक्सली स्मारक को ध्वस्त करके कहीं ना कहीं उनके इस शहीदी सप्ताह के ऊपर पानी फेर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में डीएमएफटी घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, कहा है कि घोटाले के आरोपियों पर अब कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है, अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बस्तर में डीएमएफटी के पैसे में गड़बड़ी की गई है, ऐसा उनका कहना है। बड़ी खबर इस वक्त डीएमएफटी पूरे मामले को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप की तरफ से इस पूरे मामले में बयान आया और उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बस्तर में डीएमएफटी फंड जो है इसको लेकर बड़ी गड़बड़ी की गई है और इसीलिए पूरे मामले की जांच होना चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस मामले में वो कार्रवाई भी करें, तब पूरे मामले की जांच जब होगी उसके बाद हो सकता है कुछ चीजें निकलकर इस मामले में सामने आए। लेकिन वन मंत्री ने कह दिया है कि भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।